आइए अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई से सटे भिवंडी में एक 4 मंजिला इमारत में आज सुबह भयंकर आग लग गई। आग निचली मंजिल पर लगी थी और इतनी भयानक थी कि ऊपर रहने वाले लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। ऐसे में लोगों ने छत पर पहुंचकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई, यानी नीचे पूरी आग लगी हुई थी और छत पर तकरीबन 200 लोग फंस गए थे जो नीचे नहीं आ पा रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में दमकल कर्मचारी अग्निरक्षक बनकर सामने आए। धू धू कर जलती 4 मंजिला इमारत, नीचे की मंजिल पर लगी भीषण आग। इमारत की छत पर फंसे दर्जनों लोग, हर तरफ सिर्फ बचाओ बचाओ का शोर और चीख पुकार। यह तस्वीर है मुंबई से महज 50 किलोमीटर दूर ठाणे के भिवंडी की। भिवंडी के निजामपुर में 4 मंजिला इमारत में तड़के भयंकर आग लग गई। आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कपड़े की फैक्ट्री में लगी थी। देखते ही देखते आग तेजी से भड़की और थोड़ी ही देर में नीचे की पूरी मंजिल आग की चपेट में आ गई। इमारत की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलों पर कई परिवार रहते हैं। सुबह ज्यादा लोग नींद में ही थे, तभी आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग भाग कर छत पर पहुंचे और मदद की गुहार लगाने लगे। तो मेरी आँख खुली तो उसने बोला आग लगी नीचे, तो मैं फटाफट उठा। फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी? जी, फर्स्ट फ्लोर पर पूरे आग लग गई थी, सारे गोडाउन थे कपड़े वगैरह। उसकी वजह से मैंने 4-5 घर को नॉक किया और 5-6 फैमिली लेके नीचे उतर गया। उसके बाद कोई नीचे उतर नहीं पाया, सारे फंस गए ऊपर टेरिस। आग लगने की खबर मिलते ही कल्याण और भिवंडी से दमकल की गाड़ियां और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। लेकिन तेज हवा और पहली मंजिल पर रखे कपड़ों के ढेर की वजह से आग बुझाने में मुश्किल हो रही थी। इस बीच छत पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की मुहिम शुरू की गई। क्रेन के जरिए पहले महिलाओं को छत से नीचे उतारा गया। आग के चंगुल से बचकर नीचे पहुंचे लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद बारी बारी से छत पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार दिया गया। अच्छी बात यह रही कि इतनी भीषण आग के बावजूद किसी को चोट नहीं आई। 600-500 आदमी रहे थे, कोई जख्मी नहीं हुआ, लग रहे कर रहे, लेकिन फिलहाल अगर कुछ हो जाता तो महानगर पालिका क्या कर रही है? हाँ, हालत लगी हुई है, नीचे ऑफिस में पूरी तरीके से जल रहा है। हाँ, अबे टाइम पे आ गए, एकदम टाइम पे आ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि तंग गलियों में बनी इस 4 मंजिला इमारत की कोई देखरेख नहीं है और न ही इमारत में आग से निपटने का कोई इंतजाम है। यहाँ तक कि इस रिहायशी इमारत में नियम कानून को ताक पर रखकर कपड़े की फैक्ट्री चल रही थी। आशंका जताई जा रही है कि कपड़े की फैक्ट्री में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड का कहना है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आग की वजहों का पता चल पाएगा। उस बिल्डिंगों में ये एक आम बात है कि ऊपर लोग रहते हैं और नीचे गोदाम लोग बना लेते हैं। ये इस बिल्डिंग का नहीं, पूरे भिवंडी का एक लेखा जोखा है जो कहीं ना कहीं साफ हो रहा है। अब इसमें पब्लिक खुद रहना चाह रही है, क्या सोच रही है, ये एक सवाल खुद पब्लिक को तय करना है कि उन्हें आगे आके इस चीज को रोकना है। कैमरामैन समीर के साथ मोहम्मद तारिक, मुंबई IBN 7।